तो ये है 8 वाट का सोल्डरिंग आयरन और इस सोल्डरिंग आयरन को मैंने इतना यूज कर लिया है कि इसका जो बिट है ये सामने से घिस चुका है। तो दोस्तों आज मैं इसका बिट चेंज करूंगा और इसे कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस सोल्डरिंग आयरन को एक्सटेंशन बोर्ड के साथ कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों यहां पर हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है लेकिन इसका जो सामने का बिट है ये खराब हो चुका है, इसलिए मैं इसका जो बिट है इसे मैं चेंज कर दूंगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है ये परफेक्ट काम कर रहा है। दोस्तों अगर आप इसका बिट खुद बनाना चाहते हो तो आप कोई भी कॉपर का वायर से इसका बिट बना सकते हो या फिर इसका बिट को आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप या ऑनलाइन बना सकते हो। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको इसका जो स्क्रू है इसे लूज कर देना है और इसका जो बिट है इसे बाहर निकाल लेना है। और दोस्तों इस तरह का सोल्डरिंग आयरन को रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से इसे अपने घर पर ही रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए हमारा जो पुराना बिट है इसे मैंने बाहर निकाल दिया है, अब मैं इसके साथ नया बिट को फिक्स करूंगा। तो दोस्तों यहां पर जो नया बिट है और पुराना बिट में आप अंतर देख सकते हो ये कितना घिस घिस का खत्म हो चुका है। तो दोस्तों यहां पर जो पुराना बिट है इसे मैं हटा दूंगा और इसके जगह पर नया बिट को लगा दूंगा। तो दोस्तों इसे लगाना भी बहुत आसान है, सबसे पहले आपको इस बिट को इस सोल्डरिंग आयरन के अंदर फिक्स कर देना है और इसका जो स्क्रू है इसे टाइट कर देना है। तो दोस्तों यहां पर